ट्रक और बस आपस में भिड़े हैं। थाना मानक नगर क्षेत्र में भीषण एक्सीडेंट हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 12 बीरवा चौराहे पर बस और ट्रक में टक्कर हो गई। बस और ट्रक की टक्कर में ट्रक पलटा सड़क पर। मानक नगर थाना क्षेत्र में सुबह तड़के बस और ट्रक की टक्कर हुई है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुप्ता और शुक्ला होटल के बीच जमकर मारपीट हुई है। मामूली बात को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। दबंगों के ऊपर दर्ज है कई अपराधी मामले। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, क्या वजह है मारपीट की, क्या कुछ पूरी घटना है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये हमला है और पुलिस ने कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और दबंग, इसमें काफी दबंग है जिनका पहले सभी थाने में मुकदमा दर्ज था। हालांकि पुलिस ने, जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और छोटी सी बहुत मामूली सी बात को लेकर एक दो लोग समूह में आपस में विवाद स्थिति पैदा हो गई, जिसको लेकर काफी में मारपीट भी हो गई थी। हालांकि देर रात का मामला है, लेकिन पुलिस ने सक्रियता से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसा हुआ है। ट्रक व कार के बीच से आने से असंतुलित होकर युवक गिरा। तेज रफ्तार ट्रक के पहिए के नीचे आने से युवक के सर के पूरे चीथड़े। 32 MD मोटरसाइकिल से जा रहा था युवक। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल भेजा। थाना पारा क्षेत्र के पूर्वी दीन खेड़ा की घटना है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। ट्रक व कार के बीच में आने से असंतुलित होकर युवक गिरा। तेज रफ्तार ट्रक के पहिए के नीचे आने से युवक के सिर के चीथड़े उड़े। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उवैस हमसे जुड़ेंगे। उवैस, लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, युवक की मौत हो गई है, कैसे हुआ ये सड़क हादसा, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर था और ये पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की घटना है और ये जो बाइक सवार था ये उसके नीचे आ गया है, गाड़ी के नीचे, चक्का के नीचे आ गया है और उसके बाद इसको जो है इसकी वहां पे दुखद मृत्यु हो गई है। और लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि जो तेज रफ्तार के जो कहर है वो लखनऊ के अंदर बरपा है और कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि लगातार तेज रफ्तार का जो ये एक्सीडेंट के हादसे हैं लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और इसमें एक युवक की मौत हो गई है। जी जी धन्यवाद उवैस तमाम जानकारियों के लिए। अमेठी में दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, दलित युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जामु थाना क्षेत्र के गौरा का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
लाखों की नकदी और कीमती जेवरात पार की है। बेटी की शादी के लिए इंतजाम किया गया था। 11 दिसंबर को शादी होनी थी। इससे पहले भी गांव में हो चुकी है कई चोरियां। चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय पुलिस अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। मौदाह कोतवाली क्षेत्र के अछरेला गांव का मामला है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।